वहीं प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जिला मुख्यालय स्थित राजकीय आदर्श कीर्ति इंटर कॉलेज में मतगणना केंद्र स्थापित किया गया। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन की मतगणना के लिए जिले में पहले ही कीर्ति इंटर कॉलेज में क्षेत्र कुल 3 मतगणना केंद्र बनाने के लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत ही जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट और पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने प्रस्तावित मतगणना स्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ सुरक्षा उपायों को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में जिलाधिकारी ने चुनाव आयोग के द्वारा तय मानकों पर ईवीएम संग्रहण, स्ट्रॉन्ग रूम की स्थापना और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। बेसिकली मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड से के निर्देशों के तहत हम लोग को स्ट्रॉन्ग रूम और मतगणना स्थल है उसके आदेश मिले थे कि आप स्थलीय भ्रमण करें और देखें कि उसमें मतगणना के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, क्या होंगी, कहाँ स्ट्रॉन्ग रूम होगा, कहाँ काउंटिंग हॉल होंगे। इसी के बारे में हम लोग संबंधित विभाग SP साहब ने और हमारे जो अधिकारी वो लोग आए, हमने पूरी हमारी 3 विधानसभाएँ हैं कहाँ कहाँ पिछली बार हुआ था और इस बार हम क्या उसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उस पर हम लोगों ने स्थल निरीक्षण किया है। लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने के लिए जो है जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से तत्पर है। आज का ये जो निरीक्षण था स्ट्रॉन्ग रूम और काउंटिंग सेंटर का निरीक्षण था, जैसा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड के आदेश पे था। तो जैसा कि सर ने बताया कि लेआउट जो है तैयार ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर दिया गया है और इसको भेज दिया जाएगा और जैसे ही उसका अप्रूवल आ जाता है तो जो अग्रिम तैयारियां हैं वो आगे शुरू कर दी जाएंगी।